इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में नेक्स्ट सब टॉपिक आता है, वो है इम्पोर्टेंट चार्ट। ओके, इम्पोर्टेंट चार्ट यूज्ड। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक चार्ट, हम लोग बहुत सारे चार्ट्स यूज करते हैं। सबसे पहला है ट्रेंड चार्ट, ट्रेंड चार्ट। तो इसको समझते हैं क्या है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ क्या है इसका, यूज़ है टू फोरकास्ट ट्रैफिक डाटा। फ्यूचर के ट्रैफिक डाटा को फाइंड करने के लिए ट्रेंड चार्ट का यूज़ होता है। तो ये वाई है, यहाँ पे हम AADT लेते हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाइम चलता है। सपोज ये हमारा 2015 है, नेक्स्ट 16 है, 17, 18, 19, 20। सपोज 15 में AADT हमारा कुछ था, AADT हमेशा बढ़ता ही है। ओके, तो सपोज ये हो गया 17 का, ये हो गया 18 का, ये हो गया 19 का। तो 20 का फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछला जितना भी हमारा AADT है, इससे हम लोग आर निकालेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ, उससे हम 2020 का फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर एक्स। ए क्या हो गया, ए हो गया जिस ईयर में हम लोगों को फोरकास्ट करना है पॉपुलेशन। तो फोरकास्ट होके जो भी पॉपुलेशन आएगा वो ए होगा। पी हो गया उस बेस ईयर में हमारा, उस बेस ईयर में हमारा जो भी पॉपुलेशन था वो पी हो गया। ओके, तो पी हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन। आर हो गया रेट ऑफ ग्रोथ, एक्स हो गया टाइम। ओके, और ए हो गया AADT आफ्टर एक्स टाइम। ओके, तो ये हुआ AADT, ये हो गया टाइम। तो ये हुआ ट्रेंड चार्ट का काम, इससे हम लोग फोरकास्ट करते हैं ट्रैफिक की डाटा। कैसे करते हैं वो देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट चार्ट है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। आवरली वॉल्यूम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे साल भर का डाटा इकट्ठा करते हैं आवरली फॉर्म में। ओके, तो कितना आवर्स होगा पूरे ईयर में, पूरे ईयर्स में एक दिन में 24 आवर इंटू ये जितना भी आएगा उतना आवर्स का हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं। अपना वॉल्यूम किस चीज़ का डाटा, आवरली वॉल्यूम का, वो मतलब व्हीकल पर आर वो डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सपोज यहाँ हो गया आपका जो सबसे टॉप
टॉप आया इतने घंटे में, जो सबसे हाईएस्ट रहा उसको यहाँ रखते हैं, उसके बाद सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, ऐसे करते करते हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ओके, इस तरह कर्व एक ड्रॉ किए, तो ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, ऐसे करते करते हम लोग 38th पे जाएंगे, 30th पे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा डाटा, ओके, उसको Q30 मान लेंगे। तो ये करते हैं हम लोग, ये हुआ हम लोग कैसे करते हैं, अब क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एक डाटा हमें चाहिए होता है जिसको लेके हम लोग डिज़ाइन करना रहता है। अब लेकिन हर आवर का अलग अलग आप पर डाटा है, ओके, अब हर आवर का अलग अलग डाटा है। सपोज कोई आवर में जीरो भी पास हुआ है, जीरो व्हीकल, कोई डाट कोई आवर में 10 व्हीकल पर आवर से गया है, कोई आवर में आपका 1000 भी गया है, 1000 व्हीकल पर। तो मेन सोचना ये है कि हम लोग डिज़ाइन कौन से बेसिस पे करें। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया हमारा 30th आवरली वॉल्यूम। ये जो पीक रहेगा, सपोज ये जो सबसे हाईएस्ट आया वो 1000 ये व्हीकल पर आवर है, क्यू है बेसिकली व्हीकल पर आवर, और इधर आर है सिर्फ। तो ये 1000 आया, हो सकता है कम होते होते ये 600 व्हीकल पर आवर का आया, तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे 600 व्हीकल पर आवर के लिए, ओके, क्योंकि Q30 600 पर आवर है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो 600 के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो ये ना बहुत ज़्यादा हुआ ना बहुत ज़्यादा कम हुआ, ये हम लोग को बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। अब 1000 के लिए क्यों नहीं डिज़ाइन करें, अगर 1000 के लिए डिज़ाइन करेंगे तो टोटल इतने घंटे, कितना घंटा, 8760, इतने घंटे के लिए हमें 1000 के लिए, सपोज 1000 व्हीकल पर आवर को एडजस्ट करने के लिए हमें 4 लेन देना पड़ेगा, ओके, लेकिन उस 4 लेन का यूज़ एक इतने घंटे में सिर्फ 1 घंटे होगा, तो वो किसी काम का है नहीं है, इसलिए हम लोग 30th आवर पे जाते हैं। हम लोग हमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रिजल्ट देता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, ठीक है। और ये सिर्फ इट इज एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर, बस एक साल में 20 बार, 29 घंटे ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बाकी पूरे घंटे इससे कम ही रहता है। तो ये बेस्ट होता है हमारे लिए, 30th हाईएस्ट आवरली आवरली वॉल्यूम। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट, तो वेरिएशन चार्ट क्या होता है, वेरिएशन चार्ट को आप इस तरह याद रखें, इट इज़ यूज टू एनालाइज द आवरली डेली एंड सीजनल वेरिएशन, यूज टू एनालाइज डेली आवरली एंड सीजनल वेरिएशन। ये बेसिकली हम लोग वेरिएशन को एनालाइज करते हैं। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग पीक आवर, हेल्प टू डिसाइड फैसिलिटीज एंड रेगुलेशन इन पीक आवर, ठीक है। तो ये था वेरिएशन चार्ट, बस 2 लाइन याद रखें, सबसे पहला एनालाइज वेरिएशन और डिसाइड फैसिलिटी और रेगुलेशन, ठीक है। तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है पीक आर फैक्टर। पीक आर फैक्टर,
पी कार फैक्टर क्या हमें हेल्प करता है? तो इट इंडिकेट्स हाउ कंसिस्टेंट ट्रैफिक वॉल्यूम इज ड्यूरिंग पी कार. ओके, इंडिकेट हाउ कंसिस्टेंट ट्रैफिक वॉल्यूम इज ड्यूरिंग पीक आर. तो सपोज हमारे पास 24 घंटे हैं, इसमें से एक घंटा हमारा पीक आवर होता है. ओके, तो एक घंटे में इस फैक्टर का काम होता है, इस एक घंटे में ट्रैफिक का क्या क्या कंसिस्टेंसी है, क्या वो कंसिस्टेंटली पीक है या सिर्फ 5 मिनट के लिए पीक था उसके बाद फिर से कम हो गया. ओके, तो ये हमारा इस पीक आवर फैक्टर का काम है, ये कंसिस्टेंसी चेक करता है ट्रैफिक का उस पीक आवर में. ओके, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं. पीक आवर का फॉर्मूला, पीक आवर फॉर्मूला एन, एन क्या है देखेंगे आगे. तो पीक आर वॉल्यूम, सॉरी पीक आर वॉल्यूम बाय 60 बाय एन इंटू वी एन मैक्स. तो इस एन को समझते हैं. एन होता है जो पीक आवर फैक्टर होता है वो अलग अलग मिनट्स के लिए होता है. जैसे 5 मिनट पीक आवर फैक्टर, 15 मिनट पीक आवर फैक्टर. तो पी एच एफ 15, तो पीक आर वॉल्यूम बाय 4 इंटू वी एन हो गया. वी एन हो गया कि एक घंटे में 15 मिनट का 4 स्लॉट आएगा. ओके, तो बेसिकली हमें देखना है, सॉरी एक घंटा अगर हम लोग लेंगे उसमें हम लोग 15 आर का बहुत सारा स्लॉट निकाल सकते हैं, लगभग 40 प्लस स्लॉट्स निकाल सकते हैं हम लोग. तो उस 40 प्लस स्लॉट्स में से किसी एक स्लॉट में मैक्स जो भी वॉल्यूम है 15 मिनट का वो यहाँ पे हमें पुट कर देना है. ओके, तो ये हुआ पीक आर वॉल्यूम. पूरे आवर में कितना व्हीकल पास हुआ, पीक आवर में कितना व्हीकल पास हुआ बाय 4 इंटू, और उस पीक आवर के अंदर 15 मिनट के स्लॉट में कितना व्हीकल पास हुआ, उससे हमें पीएचएफ मिल जाएगा. और ये हेल्प करेगा हमें कंसिस्टेंसी जानने के लिए. उसके बाद जैसे पीएचएफ हो गया 5 पीएचएफ 5 पीक 5 मिनट पीक आवर वॉल्यूम. तो पीक आवर इन पीक आवर वॉल्यूम बाय 16 बाय 5, तो 12 इंटू वी फाइव मैक्स. ठीक है, यहाँ भी V15 max यहाँ पुट कर देना. तो अब रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या होता है. रेंज होता है हमारा पी एच एफ का N बाय 60 पी एच एफ एन 1. तो 15 मिनट का क्या रेंज होगा, यहाँ 15 पुट कर दीजिए. पी एच एफ 15 1, यहाँ 5 पुट कर दीजिए. तो 1/12 ठीक है, ये रेंज हो गया 15 मिनट पीक आवर फैक्टर का. रेंज क्या है, 0.25 से 1. इसका क्या है, 5 मिनट का 1/12 से. तो ये कितना मिनट का भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरली यूज्ड जो हम करते हैं वो ये है 15 मिनट पीक आवर फैक्टर हम हमेशा यूज करते हैं. इसका डाटा आपको याद होना चाहिए, 0.25 से लेके 1 तक. ओके,
तो थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं 0.25 कैसे आया और 1 आया कैसे आया। तो सपोज पहले मिनिमम देखते हैं 0.25 कैसे आया। सपोज 1 घंटे में 1000 व्हीकल पास किया, ठीक है। अब इसका इसको देखें तो पहले स्लॉट में पहला 0 से 15 मिनट में आपका 0 व्हीकल पास हुआ था, दूसरे स्लॉट में 1000 पास हो गया, तीसरा 31 मिनट से 45th मिनट तक 0 पास हुआ, फिर 46th मिनट से 60 मिनट तक 0 पास हुआ। ओके तो TH F15 क्या हो गया? सबसे पहला तो आवरली वॉल्यूम जो है 1000, ये पीक आवर था, पीक 1 आवर, तो 1000 बाय 60 बाय 15 जो कि हो जाएगा 4 × 1000 × V15 मैक्स। तो 15 मिनट के स्लॉट में सबसे मैक्स कहाँ है, कौन सा है? तो ये है 1000, ठीक है। तो 0.25, इसका मतलब आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू मतलब कंसिस्टेंसी एकदम खराब है। 0 से मैक्सिमम गया 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के बाद फिर 0 हो गया, तो PHF सबसे कम आया 0.25। PHF मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम तब आएगा जब ये है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल 250 250 250 250, मतलब चारों स्लॉट में 250 पास हुआ, तो PHF15 इज इक्वल टू 1000, टोटल वॉल्यूम 1000 है, 60 बाय 15 ही होगा। और इधर वी मैक्स लेना है, V15 मैक्स 15 मिनट का कौन सा स्लॉट है जो सबसे मैक्स है, तो यहाँ चारों स्लॉट मैक्स है जो कि है 4 250, कट कर दिए तो 1 आ गया। तो PHF मैक्स है 1, कब मैक्स होता है? जब कंसिस्टेंट हो डाटा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कंसिस्टेंट कितना है, पहला 15 मिनट में 250 पास हुआ, दूसरा 15 मिनट में 250 पास हुआ, तीसरा 15 मिनट में 250 पास हुआ, चौथा 15 मिनट में 250 पास हुआ, तो इसलिए सबसे कंसिस्टेंट है, इसीलिए इसको 1 फैक्टर मिला और इसको सबसे मिनिमम मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है ये। ओके 0 मैक्सिमम फिर 0, तो इसके लिए 0.25 इसको मिला, इसके लिए इसको 1 मिला, ठीक है। तो इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको 1 घंटा का डाटा दिया हुआ है, 1 से 7 मिनट 20, 8 से 10 ये। तो सबसे पहले मिनट देख लेते हैं, यहाँ 7 मिनट या 3 मिनट, यहाँ 10 मिनट या 1 मिनट, यहाँ 11 मिनट, यहाँ पे 13 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट, यहाँ पे 5। ओके अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, सेवन इसको कैलकुलेट, ये 7 मिनट है यहाँ पे, ये 3 मिनट है, 10 1 11 13 3 8 5, ये हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका नंबर, मतलब नंबर दिया हुआ है किस चीज़ का, व्हीकल पर मिनट, मतलब यहाँ 20 मिनट 20 व्हीकल पर मिनट से पास हो रहा है, मतलब टोटल कितना पास हुआ, 20 × 7 140 पास हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 13 × 3 90 पास हुआ, यहाँ पे कितना पास हुआ, 250 पास हुआ, यहाँ पे कितना 26, यहाँ पे कितना 44, यहाँ पे 130, यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना पास हुआ 240, यहाँ पे 50। इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो पूरे पूरा को जब आप लोग ऐड करोगे आपको 1000 मिलेगा, 1000 व्हीकल पर आर पास हुआ। ओके इतना करके देखना आप लोग, टोटल व्हीकल 1000 पार हुआ आवरली। तो हम सबसे पहले तो 5 मिनट पी पी पीक
पीक आवर फैक्टर निकालना है, 5 मिनट पीक आवर फैक्टर। तो PH F5 सबसे पहले ऊपर में तो हो जाएगा 1000, इससे आया। अब नीचे में 12 by 5। अब आपको खोजना है V5 max, कौन से 5 मिनट के स्लॉट में सबसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम रहा। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 30 दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट के स्लॉट में, यहाँ पे 30 दिख रहा है। तो हाँ, ये आपका, ये देखिए, ये 5 मिनट का स्लॉट मिल गया जिसमें 30 है। ठीक है, 30 × 5 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 30 × 5 इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.555। उसके बाद है PHF, तो ये हो गया आपका आंसर PHF 5 के लिए। अब यहाँ भी 1000, यहाँ पे 60 by 15 × उसके बाद V15 max खोजना है। V15 मतलब 15 मिनट के स्लॉट में, कौन से 15 मिनट के स्लॉट में मैक्सिमम है और कितना है वो फाइंड करना है। तो इधर 15 मिनट दिख रहा है, 15 30 10, लेकिन इधर हम लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, 20 30 25 26। तो इधर का 15 मिनट का कौन सा स्लॉट लेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो 26 का एक लेंगे, 25 का लेंगे, 30 का लेंगे, तो हमारा 14 मिनट ही होगा। उसके लिए 1 मिनट इसका भी लेना पड़ेगा। ओके, तो 1 मिनट इसका भी लेना पड़ेगा। टोटल अगर काउंट करें तो 20 मिनट × 1, इससे 1 ले रहे हैं, इससे 3 ले रहे हैं पूरा, इससे 10 ले रहे हैं और इससे 1 ले रहे हैं, तो टोटल 15 मिनट हो गया। प्लस 30 × 3 प्लस 25 × 10 प्लस 26 × 1, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का आएगा 386, मतलब 15। तो 386 मैक्सिमम आया इस स्लॉट के अंदर, कौन से स्लॉट, 7th मिनट से 21th मिनट तक का स्लॉट अगर आप लोग देखें 15 मिनट का, तो आपका सबसे मैक्सिमम आया व्हीकल, कितना व्हीकल आया, इसको आप लोग लिख दें 386। इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो आएगा आंसर 0.6। ठीक है, तो पीक आवर फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर से प्रॉब्लम्स।